हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं ये हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति है वो चश्मा पहना देता है, तो चश्मा क्या है, एक लेंस है। और उसी प्रकार से हमारी आंखों में भी एक लेंस लगा हुआ है जो हमें देखने में सहायता करता है। इसी प्रकार से जो दूरबीन होती है उसमें भी एक उपकरण होता है जिसको लेंस बोलते हैं, जो क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। तो लेंस क्या होता है, पास की वस्तुओं को देखने के भी काम में आता है और दूर की वस्तुओं को भी देखने में काम में आता है। अब दूर की वस्तुओं को देखने में काम में आता है तो किस प्रकार देखने में काम में आता है, ये दूर की वस्तुओं को बड़ा करके भी दिखा सकता है, छोटा करके भी दिखा सकता है, ये किसी चीज को सीधा भी दिखा सकता है, उल्टा भी दिखा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हम पर्दे पे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये निर्भर करता है कि लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस हमें क्या करता है कि हम जैसे कई बार आपने देखा होगा अखबार में जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको पढ़ने के लिए हम हाथ में लेंस लेकर उनको बड़ा करके देखते हैं, तो वो जो बड़ा करने का उपकरण होता है वो भी लेंस होता है। तो लेंस क्या काम आ रहा है, लेंस हमें किसी भी चीज को बड़ा या छोटा करके देखने में काम में आ रहा है, आवर्धित करने में, मतलब बड़ा करने मतलब आवर्धित करने में, आवर्धित करके देखने में काम में आ रहा है। और इसका उपयोग कहाँ का है, इसका उपयोग है जैसे हम चश्मों में चश्मे पहनते हैं उसमें इसका उपयोग होता है, फिर दूरबीन है, दूरबीन में इसका उपयोग होता है, तो ये उपयोग है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार, लेंस के प्रकार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। अब ये दिखाई किस प्रकार से पड़ते हैं, दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ये देखिए, बीच में से ये मोटा है और किनारों पे ये पतला हुआ होता है, इसका मतलब ये बीच में से उभरा हुआ होता है और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। तो ये लेंस, यह लेंस बीच में से मोटा व किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है। तो ये लेंस बीच में से तो मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। इसी प्रकार से अवतल लेंस की बात करें तो ये इसका उल्टा होता है, किसका, उत्तल लेंस का। ये जो लेंस होता है ये किनारों पर तो मोटा होता है, ये देखिए किनारों पे ये मोटा है और बीच में से ये पतला होता है, ये लेंस किनारों पर मोटा होता है तथा बीच में से पतला होता है। तो अवतल लेंस की क्या प्रॉपर्टी होगी कि अवतल लेंस साइड बाहर की तरफ तो चौड़ा होगा और बीच में से पतला होगा, जबकि उत्तल लेंस, ये लेंस बीच में से मोटा व किनारों पे पतला होता है। अब इसकी ये देखिए, ये भी एक परावर्तक सतह है और ये भी एक परावर्तक सतह है, इसमें ये परावर्तक सतह है और ये परावर्तक सतह है, मतलब दर्पण में तो एक ही परावर्तक सतह होती है, जबकि अवतल लेंस में दो परावर्तक सतह होती है और उत्तल लेंस में भी दो परावर्तक सतह होती है। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं कि अवतल लेंस से बनने वाली जो इमेज होती है वो किस प्रकार से होती है। पहले तो इनके दो अन्य नाम भी हैं, वो हम पढ़ते हैं कि अवतल और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक नाम आता है, जैसे उत्तल लेंस की बात करें
उत्तल लेंस इसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यह लेंस इस पर पड़ने वाली किरणों को अभिसारित कर देता है। अभिसारित का क्या मतलब है? ये फेस इन आने वाली किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। जैसे ये हमारा लेंस है, इसमें यहाँ से ये किरणें आपतित हो रही है, ये किरणें आपतित हो रही हैं, इस पे गिर रही हैं, तो ये क्या करेगा, इनको एक जगह इकट्ठा कर देगा। इसको बोलते हैं अभिसारण, यानी एक जगह इकट्ठा कर देना, ये सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसको बोलते हैं अभिसारण। अभिसारण कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस क्या करता है, इसको हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं? अपसारी लेंस, यह लेंस इस पर पड़ने वाली किरणों को क्या कर देता है? अपसारित कर देता है। तो ये क्या करता है, ये लेंस इस पर पड़ने वाली किरणों को अपसारित कर देता है। अभी अपसारित क्या है भाई? जैसे ये हमारा लेंस है और इस पर ये किरणें आ रही हैं, इस पे आकर किरणें आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, इनको दूर दूर कर देगा, अपसारित कर देगा। तो किरणों को दूर दूर करना क्या कहलाता है? अपसारण। तो ये अपसारण करता है, कौन करता है अपसारण? अवतल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेंस इस पर पड़ने वाली किरणों को क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। जबकि अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस कहता है जो इस पर पड़ने वाली किरणें हैं उसको फैला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को अपसारण बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये आप नोट कर लीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों पे बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं? तो आपने दर्पण पढ़े हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो प्रॉपर्टीज किसकी है? अवतल दर्पण की है, वही उत्तल लेंस की होगी, और जो उत्तल दर्पण की है वो अवतल लेंस की होगी। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूँ अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण के जो गुण होंगे वो उत्तल लेंस के होंगे, और उत्तल दर्पण के जो गुण होंगे वो अवतल लेंस के होंगे। आई रिपीट, जो गुण उत्तल दर्पण के होंगे वही अवतल लेंस के होंगे, और जो अवतल दर्पण के होंगे वही उत्तल लेंस के होंगे। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता था? वो अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनेंगे, पहले तो आभासी बनेगा, यानी इसको पर्दे पर नहीं ले सकते। दूसरी चीज सीधा बनेगा, और वस्तु वस्तु या बिंब की साइज से छोटा बनेगा। यही तीनों गुण किसके थे? उत्तल दर्पण के थे। अब यहाँ पे उत्तल लेंस की बात करें, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है या आभासी भी बन सकता है, जैसा अवतल दर्पण में था, बड़ा या छोटा भी हो सकता है। अगर पास में लाओगे तो बड़ा बन जाएगा, और दूर ले जाओगे तो छोटा बनेगा, सीधा या उल्टा बन सकता है। तो
ये जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक भी हो सकते हैं, आभासी भी हो सकते हैं। अगर हम दूर ले जाएंगे तो वास्तविक बन जाएगा और पास में लाएंगे तो आभासी बन जाएगा। अगर हम दूर ले जाएंगे तो छोटा बनेगा और पास लाएंगे तो बड़ा बनेगा, बड़ा मतलब आवर्धित। और सीधा बनता है, सीधा और उल्टा भी बन सकता है। अगर दूर होगा तो उल्टा बनेगा और पास में होगा तो सीधा बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। जो अवतल दर्पण के गुण है प्रतिबिंब बनाने के, वो उत्तल लेंस के गुण है, और जो उत्तल दर्पण के गुण है वो अवतल लेंस के गुण है। तो इस तरीके से आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अवतल लेंस के से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और वस्तु की साइज से छोटे होते हैं, जबकि उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक या आभासी होते हैं, बड़ा या छोटा हो सकते हैं, सीधा और उल्टा हो सकता है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई लेंस पूरे हो गया, हमारा नेक्स्ट तो जो टॉपिक बचा है छोटा सा टॉपिक कि प्रकाश जिसको लाइट बोलते हैं, किस रंग से किस नहीं कितने कितने रंगों से बना होता है, रंगों से बना होता है। प्रकाश आपको देख तो दोस्तों दिखने में कैसा लगता है? सफेद। लेकिन ये एक्चुअल में सफेद रंग नहीं होता, ये सात रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। ये सात रंगों से, इसके लिए कोड है विब ग्योर। ये सात रंग होते हैं, इसमें भी है वायलेट, आई है इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। वायलेट का मतलब होता है बैंगनी, इंडिगो का मतलब होता है जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। आपने बारिश के दिनों में इंद्रधनुष भी देखा होगा, इंद्रधनुष भी ये सात रंगों से मिलकर बना होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भी सात रंगों से मिलकर बनता है। ये जब सात रंग आपस में मिल जाते हैं तो सफेद रंग का निर्माण होता है, जिसे हम आंखों से देख पाते हैं। लेकिन शाम के टाइम आपको आकाश नीला, ये लाल भी दिखाई देता है, नीला भी दिखाई देता है। इसके कई सारे अलग रीजन है, लेकिन प्रकाश जो है ना सात रंगों से मिलकर बना होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है क्लास 7 का। तो अगली वीडियो में क्लास 8 कक्षा 8 का प्रकाश का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हंसते मुस्कराते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।